दोस्तों आज की इस वीडियो के लेकर आए हूं आईपीएल की दुनिया के बड़े अपडेट्स। मेगा ऑक्शन के लिए जारी किए गए 10 नियम, भारत और वेस्टइंडीज का सीरीज हुआ रद्द, 20 करोड़ में बिकेंगे सीरीज, अयर आईपीएल की सभी टीम का मॉक ऑक्शन, कब टूटेगी अहमदाबाद की टीम की नींद और भी ढेर सारे अपडेट्स आईपीएल से जुड़े हुए आपको बताने वाले हैं। आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को आने वाला है और आपको कुछ करना नहीं है, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों आपके लिए वीडियो रोज लाते हैं और ये हमारी आईपीएल अपडेट सीरीज का 391वां वीडियो है। और यदि आप हमारे चैनल का ऐसा नहीं है तो बिना देर के हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को हमें बैंगलोर में देखने को मिलने वाला है और जिसको लेकर बीसीसीआई ने 10 नियम फ्रेंचाइजियों को फॉलो करने के लिए बोला है, जिसमें कि पहले तो मेगा ऑक्शन बैंगलोर में बायो बबल में होगा। इसके बाद जो भी टीम मैनेजमेंट आईपीएल के मेगा ऑक्शन में रहेंगे उन्हें 9, 10 और 11 फरवरी को कोविड टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा और वह बीसीसीआई का मेडिकल एजेंसी ही लेंगे। जो भी पार्टिसिपेंट्स मेगा ऑक्शन का हिस्सा बनेंगे यदि उन्होंने भारत से विदेश की यात्रा की होगी तो उन्हें 7 दिन का क्वारंटाइन में रहना है और उसके बाद 8वें और 9वें दिन उनका टेस्ट होगा और उसके बाद ही वह मेगा ऑक्शन में जा सकते हैं। जो भी लोग 11 फरवरी तक में टीम के होटल पहुंचेंगे सब पर मॉनिटरिंग की जाएगी और आईपीएल का मेगा ऑक्शन दोपहर 12 बजे से 12 तारीख को शुरू होगा, जिसकी वजह से एक दिन पहले के रात 12 बजे से 7 बजे के बीच टेस्टिंग किया जाएगा और जब तक रिजल्ट नेगेटिव नहीं आता है तब तक ऑक्शन टेबल पर बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी को मास्क पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और भी कुछ रूल्स हैं जो हम बताएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो ऐसे में इन सभी रूल्स को हमने पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जाकर जरूर देख लें। इसके साथ ही आईपीएल का मेगा ऑक्शन बहुत ही नजदीक है तो ऐसे में आप कोई अपडेट मिस ना कर लें, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें जहां पर हम पल पल की अपडेट्स आपको रियल टाइम में देते हैं और देते भी रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों आईपीएल का अपडेट बताने से पहले आपको एक बड़ी खबर देना चाहेंगे जहां पर आपको बता दें भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो वनडे मुकाबले होने वाले हैं 6 फरवरी को, उसके पहले भारतीय कैंप से बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है जहां पर 8 भारतीय खिलाड़ी जिनमें नाम आता है श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, नवदीप सैनी और ऋतुराज गायकवाड़ या कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं अहमदाबाद पहुंचने के बाद और इन्हें आइसोलेट कर दिया गया है और इनका इस सीरीज में खेलना क्वेश्चनेबल हो चुका है। इन तीनों खिलाड़ियों के बाहर होने से काफी परेशानी में आ सकते हैं भारतीय टीम। इसके साथ ही आपको बता दें कि केएल राहुल पहला वनडे मुकाबला नहीं खेलेंगे और यदि सिचुएशन सही नहीं रहा तो फिर यह सीरीज रद्द भी किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें मयंक अग्रवाल को इस स्क्वाड का हिस्सा अभी के लिए बनाया गया है इन खिलाड़ियों के पॉजिटिव होने के बाद और खबर ऐसी आ रही है कि रोहित शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल ओपनिंग करेंगे यदि सीरीज होता है तो। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मुकाबले जो शुरू होंगे 6 फरवरी से और 3 T20 मुकाबले जो शुरू होंगे 16 फरवरी से वह होने हैं और इसकी अपडेट भी आपको हम देते रहेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहें। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है श्रेयस अय्यर की तरफ से जहां पर आकाश चोपड़ा ने एक बड़ा हिंट दिया है और कहा है कि उनके एक क्लोज सूत्र ने बताया है कि बैंगलोर की टीम ने श्रेयस अय्यर को खरीदने के लिए 20 करोड़ का बजट रखा है। वैसे भी बैंगलोर की टीम को एक कप्तान की जरूरत है और विराट कोहली के जाने के बाद एक बेहतर कप्तान की तलाश में है बैंगलोर की टीम। श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स को पहले भी लीड कर चुके हैं और ऐसे में उन्होंने 2020 में पहली बार दिल्ली को फाइनल तक पहुंचाया भी था और ऐसे में बैंगलोर की टीम हर मुमकिन कोशिश करेंगे श्रेयस अय्यर को खरीदने का, चाहे उसके लिए 20 करोड़ देना पड़े। इसके साथ ही जो 10 मार्की खिलाड़ी हैं उसमें से आकाश चोपड़ा को ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर सबसे महंगे रहने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या श्रेयस अय्यर को बैंगलोर की टीम की कप्तानी करनी चाहिए कि नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले भारत के सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिनका नाम है रेडी अन्ना। यह साल 2010 से बने हुए हैं, यहां आप 160 प्लस गेम्स खेल सकते हैं, इनके पास 15 प्लस वेबसाइट्स हैं, 100 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं इनके अंदर, आपको यहां पर 24/7 विड्रॉल मिल जाता है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और सभी डिटेल्स ले सकते हैं। इसके साथ ही नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां पर आप काफी सारे डिटेल्स इनके बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही पेमेंट प्रूफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा, तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर से या तो टेलीग्राम चैनल से रेडी अन्ना को ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन नजदीक है और ऐसे में जो भी टीमों के मैनेजमेंट विदेश में रहते हैं वह धीरे धीरे भारत आ रहे हैं, जहां पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि माइक हेसन जो बैंगलोर की टीम के हेड कोच हैं वह बैंगलोर पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स के कुमार संगकारा भी बैंगलोर पहुंच चुके हैं और राजस्थान रॉयल्स के जो सीईओ हैं जेक लस मैकरम वह भी बैंगलोर पहुंच चुके हैं आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के लिए। और आज में मुंबई इंडियंस के लिए जयवर्धने भी पहुंचने वाले हैं बैंगलोर। इसके साथ ही जो भारत में पहले से मौजूद है मैनेजमेंट वह आने वाले 2 से 3 दिन में बैंगलोर पहुंचेंगे और जिसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहें। वैसे आपको बता दें इस बार आपको ऑक्शन के टेबल पर चेन्नई की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिलेंगे और लखनऊ की तरफ से उनके ही राइवल खिलाड़ी गौतम गंभीर रहेंगे, तो ऑक्शन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल में फ्रेंचाइजियों के द्वारा करवाए जा रहे मॉक ऑक्शन को लेकर। आईपीएल के मेगा ऑक्शन की तैयारी में आईपीएल की सभी टीम जोर शोर से लगे हुए हैं, ऐसे में चेन्नई, बैंगलोर और कोलकाता, इसके साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स और भी कुछ टीम के कैंप से खबर आ रही है कि वह मॉक ऑक्शन करवा रहे हैं डेली बेसिस पर। मॉक ऑक्शन का मतलब होता है कि किस तरह से अपने प्लानिंग को वह ऑक्शन में रियल में इंप्लीमेंट करेंगे उसे वह पहले से ही ट्रैक कर रहे हैं।
रहे हैं, अपने सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मिला रहे हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए मेगा ऑक्शन में। जिस तरह से एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट देते हैं बिल्कुल उसी तरह से वह मॉक ऑक्शन कर रहे हैं, और कोलकाता ने तो ऑनलाइन मॉक ऑक्शन भी करवाया था। इसके साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स के केएल राहुल ने खुद ही बताया है कि वह काफी देर तक गौतम गंभीर से बात कर रहे हैं मेगा ऑक्शन को लेकर। हालांकि इन सब के बीच पता नहीं अहमदाबाद की टीम कहां सोए हुए हैं, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। और इनसे जुड़ी हुई जो तस्वीरें और वीडियोस आएंगे हम आपको देते रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि हर दिन उसके बारे में तो आपको बता नहीं सकते हम। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। आपको बता दें कल महेंद्र सिंह धोनी पर बनी एक ग्राफिक नॉवेल का झलक महेंद्र सिंह धोनी ने खुद दिया है, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, जिसका नाम है अथर्व। इस ग्राफिक नॉवेल को खुद महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च किया और इसका वीडियो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस ग्राफिक नॉवेल में महेंद्र सिंह धोनी एक योद्धा के रूप में दिखाए गए हैं जो दुश्मनों से लड़ रहे हैं, और लंबे लंबे बाल हैं उनके। लगभग 20 साल तक हमने उन्हें क्रिकेट के मैदान पर देखा है और अब ग्राफिक नॉवेल के जरिए हम उन्हें जंग के मैदान पर देखने वाले हैं, जिसकी वजह से महेंद्र सिंह धोनी के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कल और काफी ट्रेंड भी कर रहे थे। और जब भी यह ग्राफिक नॉवेल रिलीज होगा आपको हम बताएंगे। वैसे ग्राफिक नॉवेल जो होता है वह बिल्कुल कॉमिक्स के जैसा ही होता है। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, खेल चुके हैं भारतीय रेडियो की तरफ से। कल बीसीसीआई ने 590 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया था मेगा ऑक्शन के लिए, जहां पर फैंस को बहुत सारी सरप्राइजिंग चीजें देखने को मिली। उसमें से एक था कि अंबाती रायडू ने अपना नाम एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर रजिस्टर किया है। 36 साल हो चुका है अंबाती रायडू का, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास भी ले चुके हैं। इसके साथ ही अपने करियर के आखिरी दौर से गुजर रहे हैं और वैसे भी कोई भी फ्रेंचाइजी उन्हें लॉन्ग टर्म ऑप्शन के रूप में नहीं देखेंगे, तो इसी को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है कि वह विकेटकीपिंग बल्लेबाज का रोल प्ले करेंगे, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजी उन्हें मल्टी डायमेंशनल तरीके से इस्तेमाल करें और यह फ्रेंचाइजी के लिए एक असेट बने रहे। इसके पहले भी अंबाती रायडू कई बार चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पार्ट टाइम कीपिंग कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है युजवेंद्र चहल की तरफ से। युजवेंद्र चहल ने खुद यह बयान दिया है कि वह इस मेगा ऑक्शन में कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुद के ऊपर। वैसे भी इस लेग स्पिनर के पीछे कई सारे टीम जाने वाले हैं और उन्होंने खुद ही कहा है कि वह कहीं भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वह वापस बेंगलुरु में जाए, क्योंकि कोई आरटीएम कार्ड इस बार होगा नहीं। 2018 में जब आरटीएम कार्ड था तब बेंगलुरु की टीम ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह भले ही रिलीज कर दे रहे हैं लेकिन आरटीएम कार्ड के जरिए उन्हें खरीद लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह यह नहीं सोच रहे हैं कि कोई टीम उन्हें 15 करोड़ या 17 करोड़ दे, बल्कि उनके लिए 8 करोड़ भी काफी है। हालांकि वह दिल से चाहते हैं कि वापस से बेंगलुरु की टीम में जाए, लेकिन यदि किसी और भी टीम में जाएंगे तो वहां पर भी वह अपना 100% देंगे। तो दोस्तों यह थे आज के आईपीएल के बड़े अपडेट्स। अभी ढेर सारे अपडेट्स आ रहे हैं आईपीएल को लेकर, तो कल हम और भी ढेर सारे अपडेट्स के साथ फिर से आएंगे। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।